नमस्कार, आपका स्वागत है इंदौरिया टाइम्स में। मैं आपके साथ मोनिका। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शुरुआत करते हैं कोटपुतली से। कोरोना संक्रमण की तीसरी वेव से पूर्व विविक 10 वर्षों से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़े डॉक्टर दीपक मित्तल की एक सराहनीय पहल, जिसके अंतर्गत छोटे बच्चों के लिए 24/7 इमरजेंसी NICU वेंटिलेटर, प्रीमैच्योर चिल्ड्रन सुविधाओं से सुसज्जित लेबोरेटरी के साथ आस्था चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर मित्तल का कोरोना काल में हॉस्पिटल स्टार्ट किए जाने का उद्देश्य बिजनेस न होकर के सेवा प्रमुख है। मैं डॉक्टर दीपक मित्तल, MBBS, DCS और आई एम पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोनेफ्रोलॉजिस्ट। मैं यहाँ पिछले 10 साल से यहाँ एज ए शिशु रोग एंड बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं यहाँ देता रहा। आज हमने आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल चालू किया है, और जैसा कि मैं यहाँ 10 सालों से कार्य कर रहा हूँ, तो आपने भी देखा कि कोटपुतली क्षेत्र में इतने हॉस्पिटल्स काफ़ी मल्टी स्पेशलिस्ट में काम कर रहे हैं, और कोटपुतली क्षेत्र जैसे अभी सुपर स्पेशलिस्ट में भी आगे बढ़ने लगा है। लेकिन 10 सालों में मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं अभी जब नवजात शिशु एवं बाल रोग के हिसाब से अपने क्षेत्र कहीं ना कहीं पीछे हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक पर्टिकुलर एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल डाल के एक छोटा सा प्रयास करना चाहिए, जिससे हम प्रॉपर वे में यहाँ के जो बच्चे हैं जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चे, उनका एक पर्टिकुलर एक ही संस्थान में हम उनको आपातकालीन सुविधाएं 24 घंटे उनको दे सकें। ऐसा मेरा प्रयास है, ऐसी मेरी सोच है कि जिसके लिए लोगों को आगे जयपुर नहीं जाना पड़े, उस प्रयास से मैंने यहाँ पे एक छोटी सी शुरुआत मैंने की है। हाँ सर, मैंने अभी स्टार्ट में कोविड को देखते हुए मैंने शुरुआत की है। इसमें सबसे पहले मैंने एक NICU मैंने स्टार्ट किया है, न्यूरोनेटल ICU। इसमें हमने एक टर्शियरी लेवल की हमने फैसिलिटी चालू की है, जैसे छोटे बच्चों प्री मैच्योर बच्चों के लिए भी सर्फेक्टेंट, एक बबल सी पैक, जो प्री मैच्योर 7वां से बच्चे होते हैं, जो बच्चे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ है उनके लिए हमने एक वेंटिलेटर की सुविधा दी है ICU में, NICU में, और पीलिया के लिए पीलिया की मशीन, प्रॉपर वे में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन लाइन। तो टर्शियरी लेवल का जो एक NICU होता है छोटे बच्चों को, नवजात शिशु का, प्री मैच्योर बच्चों के लिए, उस प्रकार की व्यवस्था देने की हमने यहाँ पे कोशिशें की है। साथ में दूसरा हमने एक जो मुझे यहाँ लगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ कि इमरजेंसी में और पर्टिकुलर नाइट में यहाँ बच्चों के लिए आपातकालीन सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसको लेकर मेरा प्रयास है कि 18 साल तक के बच्चों के लिए मैंने 24/7 कोई भी इमरजेंसी के लिए एक सुविधा देने का प्रयास किया है। उसके लिए इस अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं हमेशा सुचारू रूप से जारी रहेंगी, ऐसा मेरा प्रयास है। साथ में कुछ लोगों के लिए मैंने ऊपर जनरल वार्ड, साथ में कुछ पर्सनल लोगों के लिए AC रूम, फार्मेसी, लैब के साथ हमने इस अस्पताल की एक शुरुआत की है। इन्वेस्टमेंट मैंने ये बिजनेस को लेकर नहीं किया, मेरा इन्वेस्टमेंट है सेवा को लेकर। मैं ये मानता हूँ कि सबसे मुझे इसका जो अनुमान लगा, मुझे लगा कि कोविड को देखते हुए जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ रही है कि थर्ड वेव आने वाली है जो बच्चों में खतरनाक है, पहली बात तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा हमें नहीं दिखाए कि बच्चों में संक्रमण फैले। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि बाई चांस कुछ होता है तो कोटपुतली क्षेत्र में सुविधा होनी चाहिए, और जिसमें मैं अपने बच्चों की सुविधा दे सकूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी समाज की सेवा के लिए मौका होगा। तो इस सोच के हिसाब से मैं एक छोटी सी बात मैंने की है कि यहाँ के लोगों के लिए मैं एक बच्चों के लिए सुविधा दे पाऊँ।